दोस्तों आज जो है चिक्स का छठा दिन है, एपिसोड जो है आठवां है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे फार्म पे आके। और अजय जी से मुझे मुलाकात करनी है, अभी थोड़ी देर में वो आ रहे हैं। और उनका ये पोल्ट्री फार्म है, काफ़ी अच्छे फार्मर हैं और काफ़ी पढ़े लिखे फार्मर हैं, बहुत ही अच्छी खासी अपनी फार्मिंग करते हैं। और उससे पहले आज जो है मैं पोल्ट्री फार्म 500 चिक्स वाला पोल्ट्री फार्म, जो कि बहुत ही कम खर्चे में कैसे आप बनवाओ, उसके बारे में बात करूंगा। और छप्पर वाला, क्योंकि इस टाइप के पोल्ट्री फार्म में जो है गर्मियों में काफ़ी अच्छा रहता है, थोड़ा केवल फैन लगाना होता है आपको। और बहुत से ऐसे फार्मर होते हैं जो बहुत ज़्यादा कम बजट में अपना पोल्ट्री फार्म बनवाना चाहते हैं, तो बहुत ही कम बजट में मैं उनसे बात करूँगा कि किस तरह से जो है फार्मर पोल्ट्री अपना फार्म बनवाएँ, जो पोल्ट्री फार्म करना चाहते हैं 500 चिक्स डालकर या 500 चिक्स वाला। लेकिन उससे पहले मैं उनका जो है एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा फार्म दिखाता हूँ, जिसमें वो अपना देसी फार्मिंग करते हैं, देसी चिक्स रखते हैं, देसी मुर्गियों को रखते हैं। जो मुर्गियाँ हैं, मुर्गे हैं, देसी हैं, तो कितने हैं ये मैं उनसे जानूंगा, उनका फार्म देखूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरह से उसमें प्रॉफिट होती है। उसके बाद फार्म पे से रिलेटेड बात होगी और अंदर आपको चिक्स दिखाएंगे कि किस तरह से उनमें ग्रोथ हुआ है और किस तरह से वो बढ़ रहे हैं, और बहुत सारी बातें चिक्स को लेकर भी होंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। एपिसोड 6, ये जो छठा दिन है चिक्स का, बहुत ही कमाल का वीडियो है। पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, अपनी राय देते रहिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सारी वीडियोस हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी वीडियोस हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ देसी फार्म पे, इनके छोटा सा फार्म है। सर इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा बता दें, क्योंकि बहुत छोटा लग रहा है। 10x8 का है। 10x8 का है जी। सर इतने छोटे जो है फार्म में कितने आ सकते हैं, ये जो मुर्गे होते हैं, देसी मुर्गे होते हैं? ये हम इसमें मतलब अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचे हैं, समझ लीजिए जी, बहुत थोड़ा ही है। लेकिन इसमें हम 150 रखते थे। 150 जी। इससे पहले चिक्स जो होते हैं वो 150 थे इसमें। इससे पहले मिले थे तो आपके पास 50 थे? हाँ, उस टाइम पे थे। अभी क्या है कि हमारा बहुत काम हो गया है, उसमें भी हमेशा रुकना पड़ता है, इसलिए हमने इनको सेल आउट कर दिया है। फिर भी हमारे पास इतने हैं और इनसे हमें अंडे मिल जाते हैं पर डे के जी, अपने यूज के लिए जी। इनको कुछ दाना वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी केवल 5-6 हैं सर। ये किस तरह से बढ़ते हैं और कितने दिन में ये बढ़ते हैं? इनको बढ़ने के लिए और अंडे देने के लिए लगभग 5-6 महीने लग जाते हैं जी। 6 महीने के बाद ही ये अंडा देना शुरू कर पाते। तो ये जो मुर्गे हैं आप देख रहे हैं, ये यहीं पे खेतों में जो भी चीजें हैं अपना खाते हैं। इनको फीड, सर इनको फीड भी देना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, फीड नहीं देते हैं। सर आज जो है चिक्स का छठा दिन है और एपिसोड जो है आठवां है। सर अभी जो है 6 दिन, क्योंकि बहुत सारी दवाएं 3 दिन तक चली थी, उसके बाद बंद हो गई थी। अभी कौन सी दवा दिन में, कौन सी दवा देनी होती है और रात में कौन सी दवा देनी होती है, इसके बारे में ठीक से आप बता दें। देखिए अभी मैंने 1 दिन ATX दिया है, 2 दिन से कंटिन्यू, कल परसों मैंने ATX दिया है। सर 5वें दिन से? जी जी। और ATX सुबह के पानी में लगाते हैं 2-3 घंटे के लिए। सर ATX का काम क्या है? ATX का काम मतलब स्वास्थ्य को अच्छा रखना है जी। वो जैसे सर्दी जुकाम होने लगता है बच्चों को जी, उससे सुधार होता है उसमें। सर ATX आपने कब दिया है? 5 और 6वें दिन में। 5वें दिन और 6ठे दिन। सर कब देना पड़ता है, रात में या सुबह? सुबह में, एकदम अर्ली मॉर्निंग दिया जाता है उसको। डोज क्या है सर इसकी? उसका डोज है 100 ml पर 100 बर्ड, वो नहीं 100 ml 1000 बर्ड। 1000 बर्ड पे 100 ml जी। पानी के साथ में लगा दिया जाता है? पानी के साथ में ही दिया जाता है। सर एक सवाल है, थोड़ा सा जानना चाहूँगा पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड। सर आपका जो पोल्ट्री फार्म है वो 125 फीट लंबा है, अंदर से 25 फीट चौड़ा है। अभी बहुत से ऐसे फार्मर हैं जो अपना छोटा सा पोल्ट्री फार्म बनवाना चाहते हैं और 500 बर्ड का पोल्ट्री फार्म बनवाना चाहते हैं, तो उनके लिए मान लीजिए छप्पर का पोल्ट्री फार्म बनवाना चाहते हैं कम खर्चे में, कि बहुत सारे फार्मर ऐसे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, समस्याएँ होती हैं, तो किसी तरह से शुरू करना चाहते हैं, तो कम खर्चे में अगर वो 500 बर्ड्स का इस तरह से पोल्ट्री फार्म बनवाते हैं तो कितना खर्चा लग जाएगा, उसमें कितना? जो आदमी कोई 500 के लिए बनाता है जी, तो 35x25x20 जी का 35 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा का फार्म बना ले जी, जो मिनिमम ये मान के चलिए 15,000 तक उसका खर्चा होगा साइट बनाने में जी, और नीचे लकड़ी का पूरा कर दे। क्योंकि सर 15,000 किस तरह से खर्चा होंगे ये आप बता दीजिए। देखिए उसमें 2-3 हज़ार की तो लकड़ी लगेगी जी, और कम से कम 4,000 रुपये का ये जो पुआल होता है ये लगेगा जी, 2,000 की पन्नी लगेगी जी, और 1,000 का मतलब उसका और भी मटेरियल जी,
और ये मान लीजिए दो ढाई हजार रुपये उसको बनाने वाला लेगा जी, हमारे यहाँ का तो यही है जी। अब अदर जगहों पे हमें पता नहीं कि क्या चलेगा। तो इस टाइप के फार्म जो है अगर आप 500 वर्ड के बनवाते हैं तो 15-16 हज़ार रुपये आप मान के चलिए, इतना कम खर्चा होता है। इसमें जो है बीच में पन्नी भी लगानी होती है, ये जो छप्पर को, इसको छप्पर यहाँ पे बोलते हैं, इसको जो छवाई करते हैं जो, वो जानते होंगे किस तरह से, इसमें तार से बांधा गया है ऊपर से ताकि हवा में उड़े ना। बीच में जो है पन्नी डाला गया है और फिर नीचे भी कुछ इस तरह से है। इस फार्म का मैंने वीडियो शूट कर चुका हूँ, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में है अगर आप देखना चाहें तो, इसमें टोटल जानकारी थी उस समय की। लेकिन अभी जो है 500 को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फार्म देखेंगे इनका, यहाँ पे कुछ पानी का टैंक है, अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से लकड़ी लगी है। सर चल के एक बार दिखा दें, अंदर देखेंगे यहाँ पे बांस की लकड़ियाँ जो कि गांव में बहुत आसानी से मिल जाती हैं और टोटल उसी का यूज हुआ है। बगल में जो है पावा जो दिया गया है वो लकड़ी का पावा है, यूकेलिप्टिस का भी इस्तेमाल किया गया है। बीच में ऊपर जो है ऊपर भी यूकेलिप्टिस का इस्तेमाल किया गया है। बीच में जो क्योंकि 35 स्क्वायर ये इतना ही होता है जी, इतने जगह बनाने के लिए कम से कम बस 15 से 16-17 हज़ार के बीच में खर्चा आएगा और इतने में तैयार हो जाएगा। अच्छा, डिब्बों में कितना खर्चा आएगा सर इतने छोटे फार्म में? अब डिब्बों में कुल मिला के 10,000 डिब्बे का लगेगा। अब 500 बेड के लिए बनाना है तो आप पानी हाथ से भी लगा सकते हैं, उसके लिए टंकी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जो आपका ये खर्चा लगता है हमारा, इससे आप बच सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही डालना। धारी से नीचे ही होना चाहिए, धारी के ऊपर रहेगा तो चिक्स मुंह से गिरा देता है खोद खोद के। सर आज चिक्स का छठा दिन है, फीड में कोई बदलाव हुआ है क्या? नहीं, फीड तो अभी वही सेम चल रही है। अभी कितने दिन और चलेगा? अभी परसों तक, और मतलब 3 दिन आगे तक और यही चलेगा। इसके बाद में फिर हम प्री स्टार्टर से स्टार्ट होते आएंगे। तो जो आज का एपिसोड देख रहे हैं ये एपिसोड 8वां है और चिक्स का 6ठा दिन है। कुछ इस तरह से यहाँ पे चिक्स हैं और ब्रूडिंग को हटा दिया गया है पूरे फार्म में। सर इसकी लंबाई जो है 20 और 25 की होगी, क्योंकि 20 या 22 या 25 की होगी। इतने में पूरे में जो है 1500 चिक्स हैं, जो कि अभी मोर्टलिटी कितनी होगी सर आज 6ठे दिन? आज 17 मोर्टलिटी होगी। तो 17 मोर्टलिटी है और 6ठा दिन है और 1530 चिक्स थे टोटल। और आज भी दिन में काफ़ी गर्मी है, किसी चीज़ का यूज नहीं किया गया है। बुखारी देखेंगे, बुखारी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना बल्ब का इस्तेमाल हो रहा है। और फार्म को जो पल्लियां हैं उसको बीच बीच में खोली जा रही हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। और टेम्परेचर सर आज कितना होगा 6ठे दिन? आज होगा 80 होगा, 80 के करीब जी। और जो फीड कुछ इस तरह से देते हैं, कम फीड लगाते हैं। ये जो हमारा ड्रिंकर है, ड्रिंकर का ऊपर का सारा सिस्टम हटाने के बाद इसको हम यूज कर लेते हैं चिक्स को, मतलब खिलाने के लिए। अच्छा, इसमें भी खाएगा जी, छोटा रहेगा चिक्स, उतना टाइम इसी में खाएगा। अच्छा, इसके बाद में इसको ड्रिंकर के रूप में यूज किया जाएगा जब चिक्स बड़े हो जाएंगे, फार्म में आ जाएंगे जी। अच्छा सर, टेम्परेचर को लेकर आज हम थोड़ा सा बात करेंगे जी। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है जी तो चिक्स में क्या बदलाव होते हैं, कैसे पता लगाया? ये होता है, चिक्स बैठ करके एक जगह पे बैठ जाएगा जी और मुंह अपना खोल के पूरी तरीके से जी हाँफना शुरू कर देगा जी, वो लंबी सांसें लेना शुरू कर देगा, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा होने पे ये कारण हो जाता है जी। फिर हम लोग को पता लग जाता है कि हाँ अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर उसको तुरंत मतलब पल्ली वगैरह खोल दिया जाता है। सर मुर्गियों में एक बीमारी होती है जी जो कि आप पलट जाते हैं, ये सर कौन सी बीमारी है और इसके बचाव के उपाय क्या होते हैं? देखिए, जब बॉडी वेट ज़्यादा हो जाता है, ओवर ग्रोथ में ऐसा होता है जी, मोर्टलिटी होती है जी, उसके लिए जहाँ तक ये है कि थोड़ा पानी वगैरह ज़्यादा पिलाएं जी और
दवाओं के रूप में जैसे डिस्प्लिन हो गया जी, ये सब लगाते रहे शाम के पानी में लगा देने से जी क्या होता है, ऐसा कम देखने को मिलता है? अच्छा, बॉडी वेट जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिस तरह से मैक्सिमम बर्ड्स का एवरेज होना चाहिए, एवरेज के हिसाब से उनका बॉडी वेट होना चाहिए जी। अगर बॉडी वेट उनका बढ़ जाता है तो ऐसी बीमारी उनको हो जाती है। अच्छा सर, पलट जाते हैं तो फिर उनको बचाना क्या मुश्किल होता है क्या? हाँ, फिर वो तो मुश्किल ही हो जाता है बचाना, इससे पहले जो है मरने के करीब में ही होता है तभी वो पलटता है जी। ऐसे तो उसको बचाना मुश्किल ही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा दवा वगैरह का इस्तेमाल करते रहें जी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एपिसोड 9 और चिक्स का 7वां दिन आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अजय जी के साथ में अगले एपिसोड में। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।